में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से लगातार ठंड का कहर जारी है। वहीं घने कोहरे के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 1 घंटे से लेकर 14 घंटे से भी ज्यादा लेट चल रही हैं। धुंध के कारण होने वाली लेट ट्रेन की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने जानकारी दी है कि धुंध के चलते 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। और क्या कुछ बताया है सुनिए। लेट चल रही हैं, जिसमें से प्रमुख है अमृतसर कानपुर 22446, ये करीब 12 घंटे से ज्यादा लेट है। 1656 लोहित एक्सप्रेस, ये करीब 4.5 घंटे से ज्यादा लेट है। इसके अलावा 1809 मूरी एक्सप्रेस, ये करीब 8.5 घंटे से ज्यादा लेट है। इसके अलावा हावड़ा से कालका को जाने वाली 1311, ये करीब 10 घंटे से ज़्यादा लेट है। इसके अलावा जो प्रमुख जैसे शताब्दी है हमारी नई दिल्ली से कालका, ये करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। मौसम साफ था तो उम्मीद कर रहे थे हम कि क्या कहते हैं जल्दी समयबद्धता पे ट्रेनें चलेंगी, लेकिन आज रात में फिर फॉग पड़ गया है। और इसके अलावा कल प्रशासन ने 45-21, 45-22 जो अंबाला से दिल्ली के लिए जाती है उसको शॉर्ट टर्मिनेट करके आज राइट टाइम चलाया है, लेकिन फिर फॉग पड़ गया है। तो रेलवे प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, कंट्रोल भी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करके, मतलब क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन बता दें, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन रहा है। साथ ही रेलवे के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देरी से चल रही रेलगाड़ी में यात्रा ना करने का रिफंड भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। शासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन जो धुंध के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं उनके कारण जो यात्री हैं वो परेशान जरूर हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के इंतजाम से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। अभी जैसा कि हमारी स्टेशन अधीक्षक से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक मौसम साफ नहीं होता तो तब तक ट्रेनें लेट चलने का सिलसिला जारी रहेगा। नरेश सैनी, सूर्य समाचार, अंबाला।